Hello students, welcome to our class. Last time we discussed chapter number 12 and last time we discussed किया था कुछ extra problem जो based on diet problem as well as transportation manufacturing problem पे based था और वो problem हमने देखे थे like farmer problem, farmer के जो भी fertilizer की होती है जो भी constraint है उसके according हम क्वेश्चन बना देते, ठीक है। सो वो क्वेश्चन कुछ चार या पांच क्वेश्चन से अलग टाइप के क्वेश्चन थे, वो हमने सारे एक ही वीडियो में ले लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी आपका बाकी है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का, वो हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम वो देखेंगे, जो कि वो लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 12 लास्ट एक्सरसाइज जो चैप्टर एक्सरसाइज है मिसेलियस एग्जाम्पल नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 की लास्ट क्वेश्चन नंबर वो आपका है क्वेश्चन नंबर 10। सो वो 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, सो वो क्वेश्चन भी हम लोग एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम देख लेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं नया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलोकेशन। सो इट इज कॉल्ड एलोकेशन प्रॉब्लम एंड उसमें होता क्या है कि जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियरली एग्जाम्पल में क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि कोई भी सिचुएशन आपको गिवन है, सो आपको उस टाइम पर अलॉटमेंट देना है कि भैया ये बंदा कितना काम करेगा और ये बंदा कितना काम करेगा, ताकि इन ऑर्डर टू वी मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट। सपोज कि मेरे पास दो, मेरी कंपनी है खुद की, है ना, और मेरे पास दो एम्प्लॉयज है, दो एम्प्लॉयज को मुझे ऐसा वर्क देना है, सो उन दोनों का काम करने की एफिशिएंसी भी मुझे देखनी पड़ेगी कि भाई ये इतने घंटे में इतना वर्क कंप्लीट कर देता है, ये बंदा इतने घंटे में इतना वर्क कंप्लीट कर देता है, और इसका सैलरी ये है, इसका सैलरी ये है, सो इसको मैं इतनी सैलरी दूंगा सो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसको मैं इतनी सैलरी दूंगा तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। सो मुझे कितना वर्क इन दोनों एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा, सो इस टाइप की सिचुएशन जब आपके सामने क्रिएट होगी सो वो प्रॉब्लम होगा एलोकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट एलोकेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर टेक्स्टबुक नंबर पेज नंबर 516 एंड एग्जांपल नंबर 7 दिस क्वेश्चन। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टर्स ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग टू क्रॉप्स एक्स एंड वाई, यानी कि कोई सोसाइटी है फार्मर्स की, उसके पास कितने हेक्टर्स लैंड है, 50 हेक्टर्स टू ग्रो क्रॉप x एंड y। द प्रॉफिट फ्रॉम x एंड y पर हेक्टर्स एस्टैब्लिश दिस, पर हेक्टर का प्रॉफिट है 10,500 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले x है फिर y है, यानी कि x का प्रॉफिट हमारे पास है 10,500 रुपीज एंड द प्रॉफिट ऑफ y को रुपीज 9,000, ओके। दैट टू कंट्रोल वीड्स एंड द लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर अ क्रॉप एक्स एंड वाई एट द रेट ऑफ द 20 लीटर्स, ठीक है। आपको 20 लीटर्स गिवन है, 20 लीटर्स ऑफ फॉर एक्स एंड 10 लीटर्स फॉर अ क्रॉप वाई पर हेक्टर, यानी कि एक हेक्टर में एक्स क्रॉप के लिए 20 लीटर यूज होता है और वाई क्रॉप के लिए 10 लीटर क्या यूज होता है, लिक्विड हर्बिसाइड, ओके। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर्स ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग द पॉन्ड विच कलेक्ट द ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड, यानी कि आप मैक्सिमम 800 यूज कर सकते हो, उससे आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हम दी हुई है कंस्ट्रेंट हर्बिसाइड लिक्विड हर्बिसाइड के अकॉर्डिंग, देन हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमम द टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस सोसाइटी, यानी कि ये जो फार्मर की जो कमिटी जो सोसाइटी है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाने के लिए हमें कितने हेक्टर में क्रॉप एक्स और कितने हेक्टर में
क्रॉप वाई हम लोग ग्रो करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हमें सपोज करना पड़ेगा एक्स एंड वाई, उससे पहले क्या सपोज हम टेबल बनाते हैं, तो यहां पर भी हम टेबल ही बनाएंगे अच्छे से। फिलहाल की बुक में ये टेबल गिवन नहीं है, पर हम इसको टेबल से रूप में ही देखेंगे ताकि हमें ये इजीली एक्सप्लेन हो। ओके, सो यहां पर टू टाइप ऑफ क्रॉप्स है, एक्स एंड वाई। उसमें ये गिवन है आपको कि सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले यहां पे गिवन है इसका प्रॉफिट गिवन है आपको, ये रहा उसका प्रॉफिट फॉर क्रॉप एक्स। प्रॉफिट कितना है 10,500। फॉर क्रॉप वाई प्रॉफिट 9,000, ठीक है। चलिए अब कंस्ट्रेंट गिवन है, कंस्ट्रेंट गिवन है टू कंट्रोल विद अ लिक्विड हर्बिसाइड। सो यहां पे लिक्विड हर्बिसाइड ये इसकी आपको कंस्ट्रेंट गिवन है, सॉरी हर्बिसाइड HER ओके। फॉर क्रॉप एक्स, एक्स के लिए कितना यूज होता है, ये यूज होता है 20 liters। फिर क्रॉप वाई के लिए ये यूज होता है 10 liter। आज इसको आपको गिवन है आप नॉट मोर देन, यानी कि आप इससे 800 लीटर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर फिश एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। सो इतना हमें गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, सो हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेट टू ईच क्रॉप, यानी कि एक्स क्रॉप के लिए कितनी लैंड हमें एलोकेट करनी पड़ेगी और वाई क्रॉप के लिए कितनी लैंड एलोकेट करनी पड़ेगी वो हमें फाइंड करना है। चलिए वो एक्स और वाई वो सपोज कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट लेट एक्स हेक्टर ऑफ लैंड, एक्स हेक्टर ऑफ लैंड, एक्स हेक्टर ऑफ लैंड लैंड फॉर be allocated, be allocated for x crop, for x crop and y hectare of land be allocated फॉर वाई क्रॉप। यानी कि मैं सपोज कर लिया कि एक्स क्रॉप लग रही है एक्स के लिए एक्स हेक्टर और वाई हेक्टर लैंड लग रही है फॉर वाई क्रॉप के लिए, ऐसा सपोज कर लिया। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट सिर्फ एक ही है, दूसरी कंस्ट्रेंट है ही नहीं, सो हमने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 250 हेक्टर्स लैंड टू ग्रो टू क्रॉप्स एक्स एंड वाई, यानी कि ये सोसाइटी के पास टू टाइप के सॉरी कुल मिला के ये क्रॉप एक्स और ये क्रॉप वाई ग्रो करने के लिए मैक्स टू मैक्स कितनी लैंड है, उनके पास लैंड है यहाँ पे एक्स और इन दोनों को क्रॉप करने के लिए मैक्सिमम, ये क्रॉप करने के लिए इसको एलोकेट किया हमने एक्स लैंड और इसको वाई क्रॉप करने के लिए इसको हमने एलोकेट किया स्मॉल वाई लैंड और ये कुल मिला के 50 हेक्टर से इससे ज्यादा नहीं है, एक्स हेक्टर प्लस वाई हेक्टर दोनों को कुल मिला के, ठीक है। इन शॉर्ट हमारे पास ये पूरा हमारा फार्म है, पूरा कितना है बोले तो 50 हेक्टर का, ठीक है। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक में एक्स के लिए एक्स में और दूसरा वाई क्रॉप के लिए। सो मैंने इसको बोल दिया कि ये जो लैंड है वो एक्स हेक्टर है, ये है वाई हेक्टर और ये कुल मिलाकर कितनी होगी, तो कुल मिलाकर 50 होगी। शायद कुछ कुछ में 50 कभी कभी यूज नहीं भी होगी,
उससे कम होगी यूज, तो इसलिए हम टाइटनर ले रहे हैं, पर उससे ज्यादा तो कभी यूज नहीं करने वाले, 58% नॉट मोर देन, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी क्वेश्चन बनेगी। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन और अपना मैथमेटिकल फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले होगा हमारा मैक्सिमम जेड, यानी कि हमें प्रॉफिट कितना फाइंड करना है, मैक्सिमम जेड प्रॉफिट क्या होगा। सो ये होगा 10,500 लाख प्लस 9,000 वाई एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होती है, तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट 20x प्लस 10 वाई लेस देन और इक्वल्स टू 800। देखो यहाँ पर 10 कॉमन निकल रहा है, 10 निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x एंड वाई और 80। ये हो गई फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या होगी, सेकंड कंस्ट्रेंट होगी एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 50। और यहाँ पर एक्स और वाई ये दोनों क्या रहना है हमें पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। चलिए अभी से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो दो इक्वेशन को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 80। इसके दो पॉइंट्स मिलेंगे हमें x एंड y। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू 40। फिर यहां पे दूसरा इक्वेशन वो क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो दो वैल्यू मिलेगी x एंड y, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 50, y is equal to 0, so x is equal to 50। और ये दोनों पॉइंट को, ये दो पॉइंट्स को हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसे ड्रॉ करेंगे लाइन की इक्वेशन। ये थी मेरे x एक्सिस एंड y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गए सारे। यहाँ पे ओरिजिन 0, फिर यहाँ पे x एक्सिस पर मैक्सिमम लेंथ कितनी चाहिए मुझे, 40 चाहिए। तो यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5। y एक्सिस पर मुझे कितनी चाहिए मैक्सिमम 80 चाहिए, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, फिर भी यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ओके। अब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 80, ये पॉइंट क्या होगा, ओके। फिर x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40, तो ये पॉइंट होगा, ओके। और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन कुछ इस तरह से मिलेगी, ये लाइन मिली हमें। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा 2x प्लस y, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 80। चलिए अब दूसरा इक्वेशन में दो पॉइंट्स हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 50, यहाँ पे फिर x इज इक्वल टू 50, y is equal to 0, ये पॉइंट यहाँ पे, और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन। चलिए अब मुझे देखो तो ये इक्वेशन का क्या होगा, x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 50। चलिए दोनों इक्वेशन में इस टाइप के पॉइंट होंगे, सो दोनों इक्वेशन में यहाँ से यहाँ के नीचे के रीजन होंगे और इस लाइन में भी यहाँ के नीचे के रीजन होंगे। अब ये रीजन हमें कहाँ फाइंड करना है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल अपना फिजिबल रीजन क्या मिलेगा, फिजिबल रीजन ये मिलेगा इतना पोर्शन, ठीक है। तो ये जो मिला हमें ये मिला होगा फिजिबल रीजन, और इसके मुझे क्या करना है, इसके मुझे लेने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। चलिए तो मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स ले लेता हूं, सबसे पहला ये कॉर्नर पॉइंट होगा, फिर ये कॉर्नर पॉइंट होगा, फिर ये कॉर्नर पॉइंट होगा, और ये कॉर्नर पॉइंट होगा, उसको नाम दे देते हैं ओ ए बी एंड सी। सी पॉइंट क्या होगा 40 जीरो, ओ क्या होगा 0 0, ए क्या होगा 0 एंड 50। अब बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बी क्या होगा तो यहाँ पे क्लियर है फ्रॉम फिगर, यहाँ पे आपको ये मिलेगा 20 एंड 30। अगर क्लियर नहीं है तो भी आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशन को सबसे पहले तो रफ करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, 2x + 5 = 80 एंड x + y = 50, सब्ट्रैक्शन ले लो, ये y y कट, सो x कितना मिला, x = 30 एंड x = 30, ये इक्वेशन में पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 20। सो आवर पॉइंट्स आर x = 30 एंड y = 20, क्लियर है, ओके। सो ये पॉइंट्स हमें मिले, और ये पॉइंट्स कहां पुट करने हैं, एट द एंड ऑफ आवर आंसर टेबल। आंसर टेबल में किस तरह से पॉइंट डिराइव करते हैं, सो ये था हमारा आंसर टेबल, जहां पे हम ये कॉर्नर पॉइंट्स और फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन पुट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या है हमारे पास 0 50, पॉइंट बी 30 20, पॉइंट सी 40 0 एंड पॉइंट ओ 0 0। चलिए क्या पुट करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, ओके। सो x = 0, y = 0, आंसर इज 0। इफ x = 0 एंड y = 50, सो ये होगा 9 5 = 45, और यहाँ पे 55 0, फिर वहां पे 3 0, 1 2 एंड 3, तो ये होगा 4,50,000। ओके पॉइंट बी, पॉइंट बी पुट करते हैं, सो x = 30, यानी कि 105 × 3 करोगे, फिर उसका जो भी आंसर मिलेगा उसको एडिशन कर दो 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको आंसर मिलेगा 4,95,000। फिर ये वैल्यू पुट करो, x = 40 एंड y = 0 इन दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड यू विल गेट 42। ये मिलेगा 4,20,000, ठीक है। चलिए तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब आगे और एग्जांपल, ऐसा ही ऐसे टाइप का एग्जांपल हम अभी कंप्यूट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रॉब्लम, एलोकेशन प्रॉब्लम, पर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा देखने का तरीका इसका अलग है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। सो क्वेश्चन सेज द मर्चेंट प्लान्स टू सेल टू टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, दो टाइप के पर्सनल कंप्यूटर्स वो एक मर्चेंट सेल करना चाहता है, अ डेस्कटॉप एंड अ पोर्टेबल मॉडल। डेस्कटॉप मॉडल यानी कि जो अपना घर पे पीसी होता है वो पीसी, और दूसरा पोर्टेबल मॉडल, पोर्टेबल यानी कि लैपटॉप, ठीक है। सो पोर्टेबल मॉडल दैट विल कॉस्ट रुपीज, यहाँ पे आपको कॉस्ट गिवन है, इसकी कॉस्ट है 25,000 और इसकी कॉस्ट है 40,000 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स डेस्कटॉप मॉडल की कॉस्ट है 25,000 एंड पोर्टेबल मॉडल इट मीन्स लैपटॉप की कॉस्ट है 40,000 रिस्पेक्टिवली। ओके फिर क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि ही की एस्टिमेट दैट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ द कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड
इज 250 यूनिट्स, यानी कि उसकी मंथली, उसने ऐसा एस्टिमेट दिया रहा है कि मंथली डिमांड, कस्टमर की मंथली डिमांड 25 यूनिट से बढ़ नहीं रही, कोई भी हो, पर्सनल हो या फिर यानी कि डेस्कटॉप हो कि पोर्टेबल हो लैपटॉप हो, इन दोनों में उसकी मंथली डिमांड 250 यूनिट से ज्यादा नहीं है. Determine the number of the units of each type of computer which the merchant should stock to get the maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakhs. यानी कि भी जो merchant है वो 70 lakhs से ज्यादा investment नहीं करता है, ठीक है, और 70 lakhs में उसको maximum profit find करना है कि ताकि उसे कितने stock करने पड़ेंगे, कितने स्टॉक करने पड़ेंगे, सो डेस्कटॉप कितने स्टॉक करने पड़ेंगे एंड पोर्टेबल लैपटॉप कितने स्टॉक करने पड़ेंगे, उसकी अमाउंट के अकॉर्डिंग वो 70 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है. फिर ये होगा कि इफ हिज प्रॉफिट, उनका मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, इफ इट्स प्रॉफिट ऑन डेस्कटॉप, यानी कि वो एक डेस्कटॉप भेजेगा तो उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, एक प्रॉफिट ये इतना प्रॉफिट मिलेगा और पोर्टेबल मॉडल में उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है. सो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते जाएंगे, जैसे ही सपोज करते जाएंगे वैसे ही, ठीक है. चलिए अब तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा हमारा, सो कि प्रॉफिट है, क्लियर है ना, कि which the merchant should stock to get maximum profit, यानी कि merchant को कितना stock करना पड़ेगा, so जो stock करना पड़ेगा वो क्या होगा हमारा, supposition हो जाएगा, जैसे हम suppose करते हैं, जो find करना है वो, okay, पर जो find करना है वो क्या होगा हमारा, objective function, so profit find करना है, so profit क्या होगा हमारा, objective function, और किस पर find करना है, stock पर find करना है, so stock होगा हमारा सपोजिशन एक्स एंड वाई वेरिएबल होगा, एज ए वेरिएबल सपोजिशन. सो सॉल्यूशन सपोज करते हैं कि लेट एक्स यूनिट स्टॉक्स एक्स यूनिट ऑफ कौन सा टाइप का कंप्यूटर होगा, एक्स यूनिट डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को मैं बोल रहा हूँ एक्स यूनिट, सपोज दैट एक्स यूनिट ऑफ डेस्कटॉप मॉडल शुड स्टॉक and y units of portable laptop model should stock by merchant. चलिए हमने x and y सपोज कर लिया, आप चाहो तो इसमें भी टेबल बना सकते हो, पर ये टेबल बनाने के लिए ये सुटेबल होगा कि नहीं होगा, I'm very confused. चलिए कोई बात नहीं, बना रहे टेबल. सो यहाँ पे ये टेबल बनेगा हमारा कुछ इस तरह से, ये हमारा ये डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप एक्स एंड लैपटॉप के लिए वाई. अब क्या की मैंने उसकी कॉस्ट गिवन है, ये इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट है 25,000 डेस्कटॉप की एंड लैपटॉप की कॉस्ट कितनी है 40,000. चलिए फिर आपको प्रॉफिट भी गिवन है, सो ये हो आपका प्रॉफिट में यहां पर लिख रहा हूं, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट एक्स मॉडल पर है, यानी कि डेस्कटॉप पर उसका प्रॉफिट है 4,500 एंड लैपटॉप पर है 5,000, ठीक है. चलिए फिर आपको क्या गिवन है, दूसरी कंस्ट्रेंट कोई गिवन है नहीं, ओके. ये कॉस्ट का यूज क्या होगा, सो जो
स्टॉक होगा उसका, स्टॉक कहाँ पे वो स्टॉक करेगा। सो जितना स्टॉक करेगा उतना उसके उसके मर्चेंट को भी उसको पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें क्लियर है कि वो 70 लाख से ज्यादा डज नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख, यानी कि वो 70 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो 70 लाख तक वो मैक्स टू मैक्स कितने ला सकता है डेस्कटॉप और लैपटॉप। ठीक है, तो इसका इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी, लेस देन 70 लाख। ठीक, चलिए तो ये किया आपने। फिर उसमें एक और भी किया था कि ही एस्टिमेट दैट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ विल नॉट एक्सिस 25 यूनिट। सपोज कि यहां पे इसका एक्स स्टॉक किया हुआ है पर मंथ, फिर यहां पे वाई स्टॉक किया हुआ है पर मंथ मंथली। सो ये अमाउंट कितनी होगी, 25 यूनिट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सपोज मान लो यहाँ पे एक्स यूनिट है, फिर यहाँ पे वाई यूनिट है, और ये 250 यूनिट से ज्यादा नहीं होगी। यानी कि एक्स कंप्यूटर है और वाई लैपटॉप का उसने स्टॉक किया है, और मार्केट में से उसके जो कस्टमर्स है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट मंथली 250 यूनिट से ज्यादा नहीं है दोनों को मिला के। ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन करके वो 250 से ज्यादा होने वाला नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होगा कि मैक्सिमम जेड विच इज इक्वल टू, ये होगा 4500x प्लस 5000y एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। पहली कंस्ट्रेंट होगी ये बताऊं, x plus y less than or equals to 250, first equation। second equation क्या होगा, second equation होगा 25000x plus 40000 of y less than or equals to 70 lakhs। so ये 70 lakhs दिखती है। चलिए अब ये सेकेंड इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे 3 कैंसिल 3 0 कैंसिल 3 0 कैंसिल, तो रिड्यूस करके अब क्या बचेगा इक्वेशन, 25x प्लस 40y लेस देन और इक्वल्स टू 7000। चलिए और भी कुछ कॉमन निकल रहा है, यस कॉमन निकलेगा, 5 कॉमन ले लो। सो यहाँ पर मैं 5 कॉमन ले लू, तो यहाँ पे बचेगा 5x, 5 कॉमन ले लिया, 8 5 40, फिर यहाँ से भी 5 कॉमन ले लिया, सो वी नो 14 5 70, और ये हो गए बाकी के 2 0। ठीक है, सो ये रीजनेबल ये हो गया हमारा इक्वेशन रिड्यूस। और एक्स एंड वाई स्टॉक जो भी किया है वो पॉजिटिव ही होगा, सो ये है 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल्स टू 1400, और जो भी प्रॉफिट जो भी स्टॉक किया है वो सारे स्टॉक पॉजिटिव ही होंगे। सो ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलिए, सो फर्स्ट x प्लस y विच इज इक्वल टू 250, इसमें आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, x एंड y, x एंड y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 250, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 250। नाउ सेकंड इक्वेशन, 5x plus 8y equals to 1400. Similarly, here for the x and y, if x is equals to 0, x is equals to 0 hai, so 140 divided by 5. Agar 5 se karunga, 5 se divide, so ye cut hoga 5 to the 10, 4 0. 280 होगा, ये हो जाएगा 280, एंड इफ y इज इक्वल टू 0 देन x, x की वैल्यू फाइंड करनी है अब हमें, सो y इज इक्वल टू 0, सॉरी इफ y इज इक्वल टू 0
tan 5x which is equals to 1400, so इसे divide करो तो आंसर क्या आएगा 280 जो भी हमने कर दिया था. अब x is equals to 0, so 8y which is equals to 1400, so 1400 divided by 8, so 8 ones are 8, यहाँ पे remainder 6, 0, 8 signs are 56, 4, 0 ले आओ, again 5, so 175, so ये value मिली आपको, ठीक है. चलिए दो पॉइंट्स मिल गए दोनों के. अब तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना बाकी है. चलिए ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं दोनों का. मुझे मैक्सिमम पॉइंट चाहिए x एक्सिस पे 1280. चलिए पॉइंट कह लेते हैं, तो ये मेरा पॉइंट है 50, ये होगा पॉइंट 100, ये होगा पॉइंट 150, 200, 250 एंड ये होगा पॉइंट 300. थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं. सिमिलरली यहां पर y एक्सिस पे मुझे मैक्सिमम पॉइंट चाहिए, वैसे ही पॉइंट होगा मैं 50, 100, 150, 200, 250, 100, 100, 150, 200, 250 एंड 300. यहाँ पे होगा 150, 200 एंड 250. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. चलिए पॉइंट्स देते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट पहली लाइन में एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 250, यहाँ पर होगा. दूसरा पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 250, वाई इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट. ये दोनों पॉइंट मिल गए और ये दोनों पॉइंट में से पास होती है लाइन कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हमें मिलेगा. x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 250, ये फर्स्ट इक्वेशन. चलिए अब सेकेंड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 175, यानी कि इन बिटवीन हियर समवेयर ओवर हियर इन बिटवीन 150 एंड 200 एंड x is equals to 280 यानी कि यहाँ पे होगा 275 और 275 के नजदीक में यहाँ होगा, ओके. और इन दोनों में से पास होते हुए इक्वेशन ये मिलेगा हमारा सेकंड इक्वेशन. ये सेकंड इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है 5x plus 8y less than or equals to 1400. चलिए दोनों में नीचे के पॉइंट हो गए, सो अपना रीजियन कैसा मिलेगा, रीजियन कुछ आपको ऐसा मिलेगा. सो ये मिलेगा मेरा मुझे फिजिबल रीजियन, ठीक है. और उसके मुझे लेने हैं कॉर्नर पॉइंट्स. चलिए कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट तो वो तो यही होगा ओरिजिन 0 0, फिर पहला पॉइंट ये, इसको बोल सकते हैं पॉइंट ए, फिर दूसरा पॉइंट ये होगा पॉइंट बी एंड ये है तीसरा पॉइंट, सॉरी नंबर 4, सी पॉइंट क्या होगा 250 0, बी पॉइंट फाइंड करेंगे ये, ए पॉइंट क्या होगा 0 175, ये पॉइंट क्या होगा ओ होगा 0 0, ठीक है. बी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. चलिए बी पॉइंट हम यहां पे फाइंड करते हैं इस तरह रफ वर्क में,
दो लाइन को सॉल्व करना है. सो एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 250. सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 8y विच इज इक्वल्स टू 1400. चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं. सो 25 5 जा ये क्या बन जाएगा 25 5 जा ये बनेगा 5 5 जा 25 10 10 प्लस 2 यानी कि ये होगा 125 और पीछे एक जीरो. ठीक है चलिए अब ले लो मैं सब्ट्रैक्शन. माइनस 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 ये कैंसिल ये बचेगा माइनस 3y यानी कि 1400 माइनस 1250. सब्ट्रैक्शन ले लो यहाँ पे जीरो यहाँ पे 5 होगा यहाँ पे 3 सो क्या आंसर मिलेगा आपको 150. सो y इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 50. y इज इक्वल्स टू 50 यहाँ पे पुट करते हो y इज इक्वल्स टू 50 तो x की वैल्यू क्या होगी 200. तो ये फिगर में से क्लियर है आपको क्लियर हो जाती है तो कोई बात नहीं. अगर क्लियर नहीं है तो आपको इसी तरह से एक बार वेरीफाई कर लेना जरूरी है. ठीक है चलिए अब फाइंड करते हैं रिजल्ट टेबल. रिजल्ट टेबल प्रिपेयर करके सेम सिचुएशन सेम मेथड कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z. कॉर्नर पॉइंट सबसे पहला पॉइंट ओरिजिन ओ 00. सेकेंड पॉइंट ए क्या होगा हमारा 0 175. Then point B क्या होगा 250 and point C होगा 250 and 0. ठीक है चलिए. So first ये काम जो कर रहे हैं ये कुछ कर रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम z में. चलिए x is equal to 0 y is equal to 0 पुट करो तो ये वैल्यू क्या होगी ये होगी 0. अब x is equals to 0 and y is equals to 175 यानी कि 175 into 5 हो जाएगा. so 5 5s are 25 then 7 5s are 35 35 plus 2 37 7 यहाँ पे 3 कैरी करो 5 1s are 5 5 plus 3 8 और पीछे 3 0 यानी कि ये होगा आंसर 175 यानी कि 8,75,000. ठीक है चलिए सेकेंड क्या होगा सेकेंड पॉइंट बाद में लिखते हैं. पहले पॉइंट सी पॉइंट पुट कर देते हैं. सी पॉइंट क्या है 250 0 यहाँ पे पुट करो तो 250 into 45 इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो 25 5 जा 125 5 यहाँ पे 12 कैरी करो एंड 25 4 जा 100 100 प्लस 12 ये होगा 112. ठीक है चलिए फिर कितने जीरो है सो 250 में से 10 और यहाँ पे 2 जीरो सो इसके पीछे 1 2 5 1 2 एंड 3 यानी कि 11 लाख एंड 25,000 ये हुआ. चलिए और अब आगे लास्ट पॉइंट पॉइंट बी. पॉइंट बी क्या होगा 4 5 4 5 इंटू 2 सो ये हो जाएगा 90. यहाँ पे 00 है यहाँ पे 00 ये वैल्यू हुई. फिर 5 5 25 सो 25 और फिर यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे 3 जीरो 1 2 एंड 3 सो ये वैल्यू मिली आपको. यहाँ पे पुट कर दो 0 0 0 0 और 25 सो 0 0 0 0 5 9 10 एंड 11 तो ये आपको मिलेगा 11 11 लाख 50,000. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू हियर द मैक्सिमम वैल्यू इज दिस. ठीक है सो उसको जो भी मर्चेंट है वो मर्चेंट का प्रॉफिट कितना होगा 11 लाख एंड 50,000. कितने अमाउंट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको उसने अमाउंट की है 70 लाख. हाँ जी 70 लाख उसने इन्वेस्ट की है जिसमें से उसने x यूनिट मीन्स 2000 यूनिट ऑफ डेस्कटॉप का स्टॉक किया है. कितना स्टॉक किया है उसने स्टॉक किया है 200 यूनिट्स ऑफ डेस्कटॉप एंड 50 यूनिट्स ऑफ लैपटॉप. ओके और कुल मिला के डिमांड भी कितनी होती है सो 250. ठीक है सो इस टाइप का क्वेश्चन आप
सॉल्व कर सकते हो। चलिए अभी एक क्वेश्चन और बाकी है ये मेथड में, वो हम आज नहीं देखेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।